आज आप लोगों को एक ऐसी मौत की कहानी सुनाऊंगा, उसमें ना ही तो कातिल को पता था कि इस तरीके से मौत होने वाली है, और ना ही तो उसको पता था जिसका मौत हुई है। ये पूरा एक ऐसा हादसा बन गया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो आज की जो ये कहानी, ये जो पूरी मर्डर केस है, ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ये केस ब्रिटेन का है। आप सभी को बता दूँ कि ब्रिटेन में एक केस हुआ था जो कि बहुत ही अजीबोगरीब था, और ये पूरा मामला किस तरीके से हुआ उसको समझने के लिए आपको इसकी बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत होगी। और आप सभी को बता दूँ कि इसके बोरेन मार्टिन और क्लेयर व्हाइट नाम के दो कपल, यानी कि एक महिला और एक पुरुष, एक कपल जो है घूमने के लिए जाते हैं एक बहुत ही शानदार आलीशान रिसॉर्ट में। वहाँ पर वो लोग अपनी मैरिज के बाद की पहली डेट कह सकते हैं, या फिर उसको हम हनीमून ट्रिप कह सकते हैं, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर उन दोनों ने कमरा बुक किया था। पूरा दिन उन लोगों ने बहुत ही मज़े किए, एंजॉय किया। उसके बाद जब रात की समय होती है, तब जो उसके पति थे बोरिस मार्टिन, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, और इसकी ये पुरानी आदत थी, वो रात के समय में बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं, और जो ये पति था उसका, यानी कि वॉरेन मार्टिन, उसने अपने पत्नी यानी कि क्लेयर व्हाइट को एक चेयर पर बैठा करके बांध दिया उसको, और उसके मुंह में अपना मोजा भी डाल दिया, यानी कि पूरी तरीके से उसको बांध दिया। हाथ पैर जो थे उसको कुर्सी के साथ बांध दिया और उसके मुंह में मोजे ठोस दिए, और वो इतना ज़्यादा पिया हुआ था कि उसके बाद वो खुद बेहोश हो गया और वो सो गया, और उसको पता ही नहीं चला कि सुबह से कब वहाँ पर रात से कब सुबह हो गई। और जब सुबह उठ के देखता है तो उसकी जो पत्नी थी क्लेयर व्हाइट, उसकी मौत हो चुकी थी। और उसकी मौत होने के बाद जब वो सुबह उठता है और वहाँ पर देखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद वो डर के मारे वहाँ से होटल से भाग जाता है। और आप सभी को बता दूं कि होटल से जब वो भाग जाता है और सुबह के समय में जब रूम सर्विस वाले आते हैं तो उसको इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है, और वहाँ पर पुलिस को बुलाता है, पुलिस से संपर्क करता है। पुलिस जब वहाँ पर आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उससे इस चीज़ का पता चलता है कि जो इसका मौत है वो सांस रुकने से, बंद होने की वजह से हो गई है। यानी कि जो उसके पति ने उसके मुंह में मोजे डाल दिए थे उसके कारण से उसकी जो ऑक्सीजन लेवल थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और अच्छी तरीके से सांस अंदर ना जा पाने के कारण से उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया और काफ़ी लंबा चला ये इन्वेस्टिगेशन, और जो पीड़ित परिवार थे यानी कि जिस महिला की मौत हो गई थी उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा इससे दुखी थे, और इसी के कारण से उनके परिवार में कई लोगों को कुछ बीमारियाँ भी हो गई, ऐसे भी उनके परिवार वालों ने बताया। और जिस समय ये घटना हुआ तब जो पति था यानी कि जो पुरुष था उसकी उम्र 52 साल की थी, और जो महिला जिसकी मौत हो गई वो 38 साल की थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर छानबीन हुई। उसके बाद जो उसके पति थे वो भी पुलिस के गिरफ्त में आए, और इसमें जो अदालत में केस चली, पुलिस ने जो वहाँ पर प्रमाण रखे उस पर अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि ये गंभीर लापरवाही थी उसके पति की, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई, और उसके तहत उनके पति को 6 साल की सजा सुनाई गई अदालत द्वारा। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि इंटेंशनली मर्डर नहीं था, ये अनइंटेंशनली हुआ, जिसके कारण से इसमें गंभीर सजा हम नहीं दे रहे हैं, और उसको 6 साल की सजा सुनाई। और इस तरीके से ये केस बंद हुआ। इस केस से एक बात की पता हम सबको ज़रूर लगे कि जो ये नशे की लत होती है वो बेहद ही खतरनाक होती है, और इस नशे की लत में कब क्या हो जाए ये किसी को अनुमान नहीं रहता है, और जो नशा करता है उसको तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी को नशे की लत से दूर रहनी चाहिए, और हो सके तो ज़्यादा जितना हम नशे को परहेज करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा हम सब के लिए। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसी ही एक क्राइम की स्टोरी के साथ। तो आज की क्राइम की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।